आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी मोनिका वायसमुद्रे, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा मध्ये शहीद झालेल्या जवानांना उल्हासनगर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने स्थानक परिसरात श्रद्धांजली वाहण्यात आली. काश्मीर मधील पुलवामात झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा संताप सर्वत्र व्यक्त होत आहे. उल्हासनगर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राधाचरण कतोरिया आणि कार्यकर्त्यांनी या हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना रेल्वे स्थानक परिसरात श्रद्धांजली वाहिली आणि या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला. 14 फरवरी 2019 जो पुलवामा काश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमारे भारतीय जवानों के ऊपर जो हमला किया और उस हमले में हमारे 42 जवान जो शहीद हुए, वो बड़ी दुखद घटना है. यानी कि इस प्रकार से कोई घटना नहीं होनी चाहिए. तो हमारा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो ऐसे जो भ्राड़ जो हल्ला जिन्होंने किया है उसके ऊपर एक ठोस उत्तर देना चाहिए, ठोस जवाब देना चाहिए. उसके साथ हमारी कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में उनके साथ में खड़ी है. और उसके साथ साथ हमारी आज उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से सभी यहाँ पदाधिकारी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने सभी हम मिलकर इस घटना की निंदा करते हैं. और जो लोग 42 जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को परमेश्वर हिम्मत दे और उनको इस दुख से निकलने का उनको साहस दे. और उसके साथ ही साथ हमारी उल्लासनगर जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से ये मांग है कि जो लोग हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको कम से कम 2 करोड़ रुपया उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए, जिससे कि हम उनके साथ में न्याय कर सके और उनका परिवार किसी प्रकार से उध्वस्त ना हो और उनका पालन पोषण जो जवान नहीं रहे हैं उनका पालन पोषण उनका परिवार को सरकार और देश उनके परिवार को बचा सके. ये हमारी आज की मांग है और सरकार ने ये मांग पूरी करनी चाहिए. और हमारी अगर नहीं करेंगे तो इसके ऊपर भी हम अगर उनको अगर मुआवजा अगर ये नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी वो मुआवजे के लिए भी आंदोलन या कहीं तक कोई भी स्तर तक जाना पड़े हम निश्चित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग जाएंगे. कल की ये शर्मनाक हरकत पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के जवानों के ऊपर की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं. इस तरह की जो उन्होंने हरकत की है उनको लगता है कि हिंदुस्तान ऐसी हरकतों से डर जाएगा, लेकिन हमारा हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके लिए खतरा पैदा होते जाएगा. हमारी फ़ौज उनका ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तैयार है. सिर्फ हमारी सरकार की थोड़ी सी नाकामी है. बार बार ये एक कहते रहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. हमारी ये डिमांड है, पूरे देश के नौजवानों की ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए. बाकी सभी जो शहीद हुए हैं इनको हमारी श्रद्धांजलि है. हम लोग तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे, हमारा ये प्रण है. सारे कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग जितने भी अभी यहाँ पर जमा हैं सभी लोग दुखद हैं इस घटना के साथ और सभी लोग ये चाहते हैं कि देश के बारे में एकजुट होके इस दुख की घड़ी में हम लोग ने कैंडल मार्च निकाल के अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक ये किया है. तो ज़्यादा न बोलते हुए मैं यहीं पे श्रद्धांजलि देते हुए अपने दो शब्द पूरे करता हूँ. धन्यवाद. कुलदीप सिंह मथारू, कांग्रेस के जिला महासचिव और स्पोक्समैन. धन्यवाद. निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.